गांधी संकल्प यात्रा में पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने वही बातें कही जो बिल्कुल गांधीवादी सोच से जुड़ी हैं। गांधी संकल्प यात्रा के अंतिम चरण में जनसंवाद के दौरान मनोज सिन्हा ने पानी और प्लास्टिक से जुड़े दो बड़े मुद्दे उठाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मौजूद लोगों को बताया कि विश्व की 17% आबादी भारत में निवास करती है, जबकि दुनिया का मात्र 3% पीने का पानी ही हमारे देश में मौजूद है। इसके बावजूद हम पानी को बर्बाद करते हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि अगर हम जल संरक्षण और पानी बचाने के लिए जागरूक नहीं हुए तो हमें आने वाले दिनों में भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है। गांधी संकल्प यात्रा के अंतिम चरण में मनोज सिन्हा ने जंगीपुर विधानसभा में दूसरे दिन की यात्रा की। इस दौरान बिहरा, कहोतरी, रानीपुर, लावा, बाबूरायपुर सहित अन्य जगहों पर जनसंवाद के दौरान उन्होंने एकल प्लास्टिक उपयोग के खतरों के प्रति भी लोगों को सचेत किया। मनोज सिन्हा ने कहा कि इसकी वजह से तमाम तरह की बीमारियों एवं गंदगी को पनपने का मौका मिलता है। उन्होंने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में गंदगी से उत्पन्न कई तरह की बीमारियों की वजह से गरीब परिवारों को भी लगभग 7 से 8 हजार रुपए दवाओं पर खर्च करने पड़ते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आह्वान करते हुए कहा कि बस थोड़ी सी निष्ठा व समर्पण के साथ अपने पास पड़ोस की सफाई कर अपने गाँव व घरों को स्वच्छ रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण हमारे अनुकूल रहे इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाकर उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। मनोज सिन्हा ने स्वच्छता के प्रति पीएम मोदी के आग्रह को एक बार फिर याद दिलाते हुए कहा कि देश में स्वच्छता सिर्फ प्रधानमंत्री और सरकार के करने से नहीं हो सकती, इसके लिए हम सभी को अपनी नैतिक दायित्व का निर्वहन करना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।